हेलो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं बुद्धि इंद्र यूट्यूब चैनल और मैं हूं बुद्धि बारो तमंग, आपके लिए आज लेके आया हूं। जैसे कि आज आप सीखेंगे सीएससी, जैसे कि सीएससी रजिस्ट्रेशन अभी 2020 में चालू हो गया है। आपको सीएससी रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्या चाहिए? टीसी सर्टिफिकेट। आपको टीसी सर्टिफिकेट को जैसे आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, जैसे कि आपको रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, उसके बाद आपको कितना 1400 कितना रुपये आपको पैसा पेमेंट करना पड़ता है ऑनलाइन। जैसे कि पैसा आप पेमेंट कर देते हैं, उसके बाद भी आपको जो यूज़र आईडी और जो भी आपको पासवर्ड नहीं मिलते हैं, तो आपको कैसा होता है? जैसे कि मेरा पैसा ऊपर चला गया? नहीं नहीं आपके पैसा कहीं नहीं गया है, आपको जो भी आपका मेहनत है वो आपको मिलेगा। जैसे कि आपको टीसी सर्टिफिकेट के लिए आपने अप्लाई किया है तो आपको टीसी नंबर मिलेगा ही मिलेगा। नहीं नहीं आपका टीसी सर्टिफिकेट ऊपर कहीं नहीं गया है, लेकिन आपको जो भी आपने अप्लाई किया है, अप्लाई करने के बाद आपको क्या क्या प्रोसेस है, जैसे कि अप्लाई करने के बाद आपको तुरंत नहीं मिला, जैसे कि अभी पूरा वेबसाइट बिजी है और पब्लिश पूरा विजिट कर रहा है, जैसे कि पब्लिश पूरा विजिट कर रहा है टी एस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? थोड़ी दिन वेट करना चाहिए। पूरा प्रोसेस बताया है आपको, सिर्फ इस वीडियो को फॉलो करना है। उसके बाद आपको इस वीडियो को जैसे आप फॉलो करेंगे तो आपका जो भी टी एस सर्टिफिकेट का नंबर, उसके बाद आपको जो भी पेमेंट है आपका कहीं नहीं जाएगा, आपका टी एस सर्टिफिकेट मिलेगा। जो भी आपका पेमेंट क्या है वो आपका जो भी मेहनत है आपको मेहनत कहीं नहीं जाएगा, आपका मेहनत कहीं नहीं जाएगा, लेकिन आपको इस वीडियो को फॉलो करना। हम इस वीडियो में पूरी प्रोसेस बताएंगे आपको कैसे अप्लाई करना है टी एस सर्टिफिकेट के लिए, और आपको टी एस सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, और टी एस सर्टिफिकेट जैसे अप्लाई कर दिया। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा, ताकि हम जो कोई भी वीडियो डाले आप सबसे पहले देख पाए। चल चलते इस टॉपिक पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका मोबाइल की ब्राउजर पर आपको सर्च करना है सीएससी रजिस्ट्रेशन, या आप डेस्कटॉप पे भी सर्च कर सकते हैं। जैसे आप सर्च करेंगे, देखिए मैं सर्च किया, अभी सर्च कीजिए। जैसे आप सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद आपको देखिए पहला लिंक आएगा सीएससी रजिस्ट्रेशन, तो आपको पहले लिंक पर क्लिक करना है। जैसे आप पहले लिंक पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको मोबाइल को डेस्कटॉप मोड पर कर लेना है। देखिए डेस्कटॉप साइट पर करेंगे तो आपका कंप्यूटर साथ में आपको खुल जाएगा। उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे देखिए क्लिक हियर टू रजिस्ट्रेशन, आपको यहाँ पे क्लिक हियर टू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे, उसके बाद देखिए यहाँ पे सिलेक्ट एप्लीकेशन टाइप पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको सी एस सी वीएलओ पर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए टी एस सी सर्टिफिकेट का नंबर मांगा जाएगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। उसके बाद आपको कैप्चा डाल के सबमिट आइकन पर क्लिक करना है। अगर आपके पास टी एस सी सर्टिफिकेट का नंबर नहीं है तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर नहीं पाएंगे। तो आपको क्या करना है, टी एस सी सर्टिफिकेट को लेने के लिए आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे क्लिक हियर, आपको यहाँ पे देखिए क्लिक हियर टी एस सी क्लिक हियर पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको दूसरी वेबसाइट की तरफ ले जाएगा, जहाँ पे टी एस सी सर्टिफिकेट आपको प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि आप दूसरी वेबसाइट पर ऑटोमेटिक आ जाएंगे, उसके बाद आप जहाँ टी एस सी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टी एस सी सर्टिफिकेट को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले थ्री लाइन पर क्लिक करेंगे, थ्री लाइन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको मोबाइल को डेस्कटॉप मोड पर कर लें। जैसे आप मोबाइल को डेस्कटॉप मोड पर करेंगे, उसके बाद ऐसा इंटरफेस आएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए आप सबसे नीचे देखिए लॉग इन विथ आस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको देखिए, जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस आएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन, उसके बाद देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको देखिए ऐसा इंटरफेस आएगा। थोड़ी देर वेट कीजिए, उसके बाद आपको देखिए पूरा फॉर्म खुल जाएगा। आपको देखिए टी एस सी सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन करने के लिए पूरा फॉर्म खुल जाएगा, आपको यहाँ पे फॉर्म को फिल करना है। उसके बाद देखिए सबसे ऊपर आपका फुल नेम टाइप करना है, मोबाइल नंबर टाइप करना है, ईमेल आईडी टाइप कर दिए, उसके बाद फादर नेम या हस्बैंड का नाम टाइप कर दीजिए। उसके बाद स्टेट सिलेक्ट कर दिए, यहाँ पे सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे और आपको स्टेट सिलेक्ट करना, जो भी आपका जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उसी स्टेट को सिलेक्ट करना। जैसे कि मैं आसाम स्टेट सिलेक्ट किया। उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, जैसे कि यहाँ पे आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे फुल एड्रेस डाल दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट करना है, जेंडर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको जेंडर सिलेक्ट करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका बीओबी डेट ऑफ बर्थ डालना है, जैसे कि आपका जन्म स्थिति पूरे डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए आपका जो भी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो एक अपलोड करना है। जैसे कि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो को अपलोड करने के लिए आपको देखिए 50 KB के अंदर अंदर होना चाहिए, JPG PNG PDF में होना चाहिए। जैसे कि आपको यहाँ पे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करना है, जैसे चॉइस फाइल पे क्लिक करेंगे, उसको जहाँ भी आपने ब्राउज़र पे क्लिक करेंगे, जहाँ भी आपने फ़ोटो रखा उसको फ़ोटो को ओपन करेंगे। जैसे ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे आ जाएंगे, आपका फोटो दिख जाएगा। उसके बाद आपको सबमिट आइकन पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट आइकन पे क्लिक करेंगे, जैसे कि मैं आपको सबमिट करके दिखा रहा हूँ, जैसे कि इस फॉर्म को भरने से पहले मैं आपको दो बात कहना चाहता हूँ। जैसे कि ये अभी टी एस सी सर्टिफिकेट के लिए पब्लिश पूरा इस वेबसाइट को विजिट कर रहा है और टी एस सी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और इस वेबसाइट पूरा बिजी है, तो आपको इस सर्वर कुछ प्रॉब्लम दिखा सकता है, तो सर्वर की थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। तो आपको क्या करना है, जैसे कि आपको मोबाइल नंबर डालते ऑटोमेटिक पेमेंट मोड पर ले सकता है, तो आपको ऐसे नहीं करना है। सबसे पहले क्या करना है, आपका नाम बाद में लिखेंगे, मोबाइल नंबर बाद में डालेंगे और ईमेल आईडी बाद में डालेंगे। सबसे पहले आपको फादर नेम या हस्बैंड का नाम टाइप करेंगे,
हस्बैंड का नाम टाइप करेंगे, स्टेट सिलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपको फुल एड्रेस डालेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको जेंडर सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, उसके बाद आपको मैंने जो भी बोला आपको पास की, मैंने आपको बोला पासपोर्ट साइज फोटो आपका डालना है 50 KB के अंदर अंदर। उसके बाद आपको नाम डालना है, उसके बाद आपको ईमेल आईडी डालना है, उसके बाद आपको लास्ट में आपका मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद पूरा फॉर्म को फिल करना है, जैसे कि कोई भी आपको ऑप्शन नहीं छोड़ना है। उसके बाद आपको सबसे नीचे देखिए सबमिट है, सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे आप सबमिट आइकन पे क्लिक करेंगे बाद आपको देखिए पेमेंट गेटवे पे ले जाएंगे। उसके बाद आपको पेमेंट करना है, देखिए 1479 रुपये आपको पेमेंट करना है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, UPI, भारत QR कोड से, इन में से कोई भी मेथड से आपको पेमेंट करना है। जैसे आप पेमेंट करेंगे, पेमेंट करने के बाद आपको यूजर आईडी और पासवर्ड आपको मोबाइल पे शो हो जाएगा या आपका डेस्कटॉप पर। अगर आपके बाई चांस आपके डेस्कटॉप पर शो नहीं हो, आपके मोबाइल पर पासवर्ड आईडी शो नहीं हो, आपका पेमेंट कट गया, लेकिन आपको 2-3 दिन तक वेट करना है। जैसे आप वेट करेंगे, वेट करने के बाद आपको क्या है, आपका यूजर आईडी और पासवर्ड आपका ईमेल द्वारा सेंड कर दिया जाएगा। उसके बाद अगर आपको नहीं आए तो आपको क्या करना, दूसरे सॉल्यूशन बता रहे हैं, जैसे कि आप टीसी वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे, आपको टीसी सर्च करना है। जैसे आप टीसी वेबसाइट सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद आपको टीसी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। जैसे मोबाइल के ब्राउजर में आपको टीसी सर्टिफिकेट सर्च करना है, जैसे आप सर्च करेंगे उसका पहला लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको देखिए फिर से आपको टीसी वेबसाइट पर आ जाएंगे, जैसे कि आप इस तरह से। उसके बाद आपको क्या करना है, लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद अगर आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड दिया है तो आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। जैसे कि पासवर्ड रहेगा आपका मोबाइल नंबर, यूज़र आईडी आपको सेंड कर दिया जाएगा। और अगर आपको यूज़र आईडी आपको नहीं मिला और पासवर्ड भी नहीं मिला, आपको क्या करेंगे, देखिए सबसे ऊपर आपको थ्री लाइन पर क्लिक करना है। देखिए वेबसाइट के सबसे ऊपर की तरफ आपको लाइन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपको थोड़ी देर वेट कीजिए। उसके बाद देखिए आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे कॉन्टैक्ट आस लिखा हुआ है, जैसे कि देखिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट आस है, कॉन्टैक्ट आस पर क्लिक करना है। जैसे आप कॉन्टैक्ट आस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस होगा। यहाँ पे देखिए टोल फ्री नंबर दिया हुआ, इस टोल फ्री नंबर पर आप कॉलिंग कर सकते हैं, लेकिन कॉलिंग नहीं जाएगा, आपको दोबारा वापस कॉलिंग करेगा, उसके बाद आपको बात कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको दो ईमेल आईडी दिया हुआ, दीपक शर्मा और वरुण का। जैसे कि यहाँ पे आपको देखिए वरुण चौहान और दीपक शर्मा का आपको मेल आईडी दिया हुआ, इनमें दोनों में से आपको एक में मेल करना है। जैसे कि आपको मेल करने के लिए आपको मैं एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है, जैसे कि आपको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। जैसे कि आपको देखिए यहाँ पे वरुण DOT, उसके बाद आपको चौहान है, मतलब DOT के पूरा काट के आपको डॉट लगाना है। उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे भी यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए AT का काट के आपको @ लगाना है। उसके बाद देखिए CSC लिखा है, उसके बाद डॉट है, मतलब DOT का मतलब एक डॉट है, ठीक है। तो आपको इनको कॉपी कर लेना है पूरा मेल को। कैसे मेल करते हैं आपको मैं बताऊँ, जैसे कि आपको देखिए कॉपी कर लेना है पूरे मेल को। उसके बाद आपको मेल पर चलते हैं, जैसे आप मेल ओपन करेंगे उसके बाद देखिए जीमेल ओपन कीजिए। उसके बाद आपको कैसे मेल करना आपको हम बताते हैं। सबसे नीचे तरफ पेंसिल का आइकन पे क्लिक करना है। जैसे आप पेंसिल का आइकन पे क्लिक करेंगे उसका टू पे उसका जो भी आपने कॉपी किया था उसको पेस्ट करेंगे। देखिए पेस्ट करेंगे, जैसे आप पेस्ट करेंगे उसके बाद आपको कैसे ईमेल को आपको एडिटिंग करना हम आपको बताएंगे। देखिए जैसे आप पेस्ट करेंगे उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे डॉट जो भी है आपको उसको निकाल देना है। देखिए यहाँ पे निकाल देना है, जैसे कि मैं निकाल दे रहा हूँ, कर दे रहा हूँ। उसके बाद आपको एक सिंपल सा डॉट लगाना, जैसे देखिए इस तरह से। उसके बाद जहाँ पे आपका डॉट है उस तरह से आपको डॉट लगाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे AT है ना, इसको कट करना है। उसके बाद आपको @ लगाना है, देखिए देखिए इस तरह से आपको यहाँ पे करना है। जहाँ भी आपका डॉट है यहाँ पे आपको उसको कटना है। उसके बाद आपको टाइप करना है डॉट, देखिए। उसके बाद और एक है यहाँ पे, देखिए GOB के पास है, इनको भी आपको ऐसे ही कट करना है। उसके बाद आपको डॉट लगाना है, जैसे कि आपको इस तरह से देखिए आपको बनाना है। देखिए उसके बाद आपको खाली जगह पर एक बार टैप करेंगे। उसके बाद आपको सब्जेक्ट पर आपको टाइप करना है, जैसे कि आपको सब्जेक्ट पे टाइप करना है पेमेंट कट बट यूज़र आईडी पासवर्ड नॉट रिसीव। उसके बाद आपको मेल करना है, सर मेरा पेमेंट कट चुका है, अभी तक मुझे यूज़र आईडी और पासवर्ड नहीं मिला है। उसके बाद आपको आपका नाम लिखना है, उसके बाद आपको फुल एड्रेस डालना है जो भी आपका एड्रेस है। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर डालना है, जो मोबाइल नंबर आपने रजिस्ट्रेशन किया था TEC सर्टिफिकेट के लिए। उसके बाद आपको देखिए ट्रांजेक्शन आईडी डालना है, जैसे कि आपको ट्रांजेक्शन आईडी कहाँ से मिलेगा, जैसे कि आपने जिस मेथड से पे किया उसी मेथड से आपको ट्रांजेक्शन आईडी मिलेगा। जैसे कि आपको इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट किया तो इंटरनेट बैंकिंग पर जाएंगे। उसके बाद आपको UPI फ़ोनपे से किया तो आपको फ़ोनपे ऐप पर जाएंगे, वहाँ पर आपको ट्रांजेक्शन आईडी मिल जाएगा। जैसे कि मैं आपको प्रीव्यू दिखाऊंगा अभी कैसे आपको कॉपी करना है फ़ोनपे अकाउंट से ट्रांजेक्शन आईडी। जैसे कि देखिए आपको फ़ोनपे आपको एप्लीकेशन ओपन करना है, जैसे कि आपने फ़ोनपे से पेमेंट किया है तो जैसे कि मैंने फ़ोनपे से पेमेंट किया था तो मैं फ़ोनपे एप्लीकेशन ओपन कर रहा हूँ, अभी ओपन कीजिए। उसके बाद आपको देखिए हिस्ट्री पर क्लिक करना है, जैसे आप हिस्ट्री पर क्लिक करेंगे सबसे ऊपर देखिए आपको जो भी पेमेंट किया आपका, ये मैंने पेमेंट किया था देखिए। उसके बाद सबसे ऊपर देखिए ट्रांजेक्शन आईडी कॉपी, कॉपी पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपका ट्रांजेक्शन आईडी कॉपी हो जाएगा। उसके बाद आपको इसको एक बार स्क्रीन शॉट भी मार लेना है, जो भी आपका रिसीप है ना, तो उन रिसीप को स्क्रीन शॉट मार लेना है, जैसे कि आपको अपलोड करना है। यहाँ पे देखिए आपको
जो भी आपने कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट करना है ट्रांजेक्शन आईडी को, जैसे कि देखिए इस तरह से उसको, जैसे कि आपको जिस मेथड से आपने पेमेंट किया उनको एक बार स्क्रीनशॉट मार लेना है। जैसे कि मैंने फोन पे हिस्ट्री से किया, उसके बाद आपको जो भी रिसीव को स्क्रीनशॉट मार लिया, उसके बाद आपको स्क्रीनशॉट को आपको क्या करना है मेल पर अटैच करना है। जैसे कि देखिए ऐसे आपको स्क्रीनशॉट मार लेना है, जैसे कि मैंने स्क्रीनशॉट मारा, आप भी मारिए। उसके बाद आपको मेल पर आना है। जैसे आप मेल पर आएंगे उसको सबसे ऊपर देखिए आपको एक एट द रेट का आइकन बना, उसमें क्लिक करेंगे, जहाँ भी आपने ट्रांजेक्शन आईडी का फोटो रखा है या स्क्रीनशॉट मारा है उसको ओपन करेंगे। जैसे आप ओपन करेंगे आपका मेल पर आ जाएंगे। जैसे कि देखिए सबसे नीचे देखिए मैंने अटैच कर लिया है स्क्रीनशॉट, उसके बाद आपको सबसे ऊपर की तरफ देखिए एक तीर का आइकन है, तीर का आइकन भी जैसे आप क्लिक करेंगे आपका मेल चले जाएगा। उसके बाद मेल जाने के बाद आपको 2-3 दिन वेट करना है। 2-3 दिन वेट करने के बाद आपको जो भी आपका यूज़र आईडी और ईमेल आईडी आपको जैसे आप मेल करेंगे उसके बाद आपको 2-3 दिन वेट करना है। वेट करने के बाद आपको मोबाइल पर या ईमेल पर आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड भेज दिया जाएगा। अन्यथा आपको नहीं मिला तो आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने बताया था आपको TEC वेबसाइट पर जाना है, उसके बाद आपको फॉरवर्ड करना है। जैसे आप फॉरवर्ड करेंगे उसके बाद आपको मोबाइल नंबर डालते हैं, आपको फॉरवर्ड करते हैं आपके मोबाइल पर SMS मिल जाएगा कि आपका जो भी आपका TEC सर्टिफिकेट का नंबर है आपको SMS कर दिया जाएगा। जो भी आपने पेमेंट किया आपका पेमेंट कहीं नहीं जाएगा, ये सरकारी वेबसाइट है, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। स्लिप आपको 2-3 दिन वेट करना या हफ्ते पर वेट करना है, लेकिन आपको कभी कभी जाके वेबसाइट पर आपको फॉरगेट जो यूज़र है उसमें क्लिक करने के बाद आपको जो फॉरगेट पासवर्ड है उसमें क्लिक करके आपको फॉरगेट यूज़र करते रहना है। आपको कभी ना कभी 2-3 दिन के बाद आपका फॉरगेट हो ही जाएगा। जैसे कि मेरा अभी 3 दिन लग गया था, मेरा भी ऐसे ही हुआ था, पेमेंट कर दिया लेकिन मेरा यूज़र आईडी पासवर्ड मुझे नहीं मिला था। लेकिन मैं आज आपके लिए यही सजेस्ट करूँगा, ये सही है, इसी तरह से कीजिए, आपको फॉरवर्ड हो जाएगा। जैसे कि मैं देखिए मैंने फॉरवर्ड कर रहा हूँ, उसके देखिए फॉरवर्ड पर क्लिक करेंगे, उसके बाद दोबारा यही करेंगे जो आपको मोबाइल नंबर डालेंगे ऑटोमेटिक आपका मोबाइल पर भेज दिया जाएगा जो भी यूज़र आईडी आपका। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जैसे कि ये Part 1 वीडियो है, आपको Part 2 जल्दी मिलेगा। जैसे कि Part 2 वीडियो में हम बताएंगे आपको CSC कैसे अप्लाई करना है, CSC में क्या क्या रिकमेंड है, आपको CSC में क्या क्या आपको ध्यान रखना है, उसके बाद जो भी आपको CSC में ज़रूरत पड़ने वाली चीज़ें हैं वो आपको मैं पूरी फुल प्रोसेस में अगली वीडियो में आपको ले आएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों। अगर आपका इस मेथड से हेल्प हो तो हमारे वीडियो को आपको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा।